हाई बालज वेल्कम टू बॉयज़ सो टूडे वी आर गोइंग टू डू एलगी एम सिक्यूज़ सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एम सिक्यू फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एलगी इसको जो एलगी की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ सी दैट इज़ फाइकोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म एल्गी वॉज गिवन बाई जो एलगी की टर्म थी वो किसने दी थी तो वो लीनियस ने दी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है एलगी आर जो एलगी है वो क्या है तो एलगी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है होता है और उसके अंदर क्रिप्टो वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ एबसेंट होते हैं तो उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑर्गन इन एल्गी जनरली जो एलगी है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं तो उनके अंदर जैकेट है वो एबसेंट होती है और वो यूनिसेलर होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी यूनिसेलर नॉन जैकेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ एलगी इन चारों में से कौन सा एलगी का करेक्टर नहीं है तो एलगी के अंदर वस्कुलर टिश्यू एबसेंट होते हैं तो फर्स्ट भी सही है सेकेंड है लिटल डिफ्रें डिफ्रेंसीशन ऑफ ट्रू टिश्यू एलगी के अंदर जो रूट होती है स्टेम होती है और लीवस होते हैं उनके अंदर डिफ्रेंसीशन नहीं होता सिर्फ लिटल होते हैं तो ये भी सही है और उनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होता तो ये भी सही है तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी नन ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो इंडियन माइकोलॉजी है उसके फादर कौन है तो उसके फादर है एम ओ पी तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी दैट इज़ एम ओ पी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट साइजेंटिक अमंग एल्गी इज एल्गी के अंदर सबसे लार्जेस्ट फॉर्म कौन सी होती है तो वो होती है मैक्रोसिसटस सो द करेक्ट आंसर इज बी मैक्रोसिसटस नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपनोस्पोर्स आर फोर्स जो हाइपनोस्पोर्स हैं वो किसके लिए यूज होते हैं so B, है, for, है, होते है? तो हाइपनोस्पोर्स एक मोड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का तो वो यूज़ होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलगी इज़ यूज इन स्पेस प्रोग्राम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ डैश इज़ जो एलगी है वो कौन सी एल्गी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है स्पेस प्रोग्राम के अंदर तो एल्गी यूज़ होती है क्लोरेला और वो किसके लिए यूज़ होती है फॉर द ऑक्सीजन क्योंकि वो रिच होती है ऑक्सीजन में तो वो ऑक्सीजन के लिए यूज़ की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी दैट इज़ क्लोरेला एंड ओ टू नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी है जो ग्रीन एल्गी है उसके पास क्या क्या होता है तो उसके पास हमें क्लोरोफिल ए भी मिलता है और क्लोरोफिल बी भी मिलता है सो द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलबोल ऑफ ग्रीन एल्गी कंसिस्ट ऑफ जो ग्रीन एलगी है क्लोरो फाइसी उसकी सेलबोल किस को कंसिस्ट करती है तो वो कंसिस्ट करती है सेलोज को नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन एलगी इज रिज़र्व फूड मटीरियल इन जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो एलगी के अंदर किस एलगी के अंदर रिजर्व फूड मटीरियल होता है तो वो रिजर्व फूड मटीरियल होता है इन द रेड एलगी और रेड एल्गी को हम क्या कहते हैं रोडोफाइसी तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी दैट इज रोड ऑफ आईसी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एलगी ग्रोज एट मैक्सिमम डेप्थ अंडर वाटर कौन सी ऐसी एलगी है जो मैक्सिमम डेप्थ पर मिलती है हमें तो वो मि हमें मिलती है रेड एलगी सो द करेक्ट आंसर इज रोड ऑफ आइसी दैट इज़ डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट रग्ड ऑफ एलगी कौन सी लार्जेस्ट और मोस्ट रग्ड फॉर्म्स होती हैं एलगी की तो वो होती हैं फ्योफाइसी की जो ब्राउन एल्गी है उसकी फॉर्म्स होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज ऑबटेन्ड फ्रॉम जो आयोडीन है वो कौन सी एल्गी से हमें मिलता है तो वो हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज़ ब्राउन एल्गी नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर सेक्स ऑर्गन ऑफ जो ग्लोब्यूल हैं न्यूक्यूल हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम के सेक्स ऑर्गन्स हैं तो वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं चारा के नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंड इन जो क्लेमाइडोमोनास है वो हमें कहाँ मिलता है तो वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और वो हमें स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी मिल सकता है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए दैट इज फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रेंजिंग फ्रॉम आइसोगी टू अनाइसोगी टू ओगैमी अकर्जिंग कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से होता है आइसोगी से भी अनाइसोगी से भी एंड ओ से भी तो इसका करेक्ट आंसर है क्लेमाइडोमोनास इसके अंदर रिप्रोडक्शन है वो आइसोगी के थ्रू भी होता है ओगेमी के थ्रू भी होता है और अन के थ्रू भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉमनली कोल्ड सीलेट्यूज इन चारों में से हम किस को सी लेट्यूज कहते हैं तो वो होता है उल्वा उल्वा का सेकेंड नेम होता है सी लेट्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज शोन बाय इन चारों में से कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड है तो वो है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स ग्रोज इन जो यूलोथ्रिक्स है वो हमें कहाँ मिलता है तो वो हमें मिलता है रनिंग वाटर के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए दैट इज़ रनिंग वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलगी आर करेक्टराइज बाय जो एलगी है उसके अंदर इन चारों में से कौन सा करेक्टर प्रेजेंट होता है तो एलगी के अंदर जो पैरिनोड स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद द क्लोरोप्लास्ट सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी पायरेनोइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज इन चारों में से कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है स्पायरोगायरा के अंदर तो स्पायरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होता है उसके अंदर स्क्लेफॉर्म कंजुकेशन भी होती है और लेटरल कंजुकेशन भी होती है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ़ द एलगी इन वाटर ड्यूरिंग डे एंड सिंक एंड नाइट एज बहुत सारी एलगी दिन में सर वाटर के सरफेस पर फ्लोट करती हैं और रात को सिंक कर जाती है सी के बॉटम में वो कौन सी एलगी होती हैं उनके अंदर क्या होता है क्यों होता है क्योंकि वो वायट होती हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन एक्यूमलेट हो जाती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस एंड रात को कोई फोटो नहीं होती तो वो सिंक कर जाते हैं वाटर के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एलगी बिलोंग टू जो ब्लू ग्रीन एल है वो किससे बिलोंग करती है तो वो बिलोंग करती है प्रोकैर से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज प्रोडक्ट इन रोडोफाइसी फाइसी एज रोडो है जो रेड एलगी है उसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बोटनी डीलिंग विद एलगी इज नोन एज इन चारों में से कौन सी ऐसी ब्रांच है मतलब जो एलगी की स्टडी है वो किसको कहते हैं हमें हम तो वो कहते हैं हम फाइकोलॉजी को नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ रेड एलगी इज ड्यू टू जो रेड एलगी है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है तो वो होता है ड्यू टू आर फाइको नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोराइथ्रीन इज इन जो फ्रा हाँ, फाइकोराइथ्रीन है वो रेड एलगी के अंदर हमें मिलता है तो इन चारों में से कौन सी रेड एल्गी है तो वो है पोलीसाइफोनिया जो पोलीसाइफोनिया है वो रोडोफाइसी का एक मेंबर है और इसके अंदर फाइकोराइथ्रीन है वो प्रेजेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन बाई विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू तो इट सबस्ट्राटम इज कोल्ड कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिससे यूलोथ्रिक्स है वो सबस्ट्राटम से अटैच होता है तो वो अटैच होता है थ्रू होल्ड फास्ट सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज़ होल फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोट्रॉफिक जो प्रोड्यूस हुआ है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता जो वायरस है वो भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होता फंगी है वो भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होती और जो एलगी है वो ऑटोट्रॉफिक होती है सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज़ एलगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस्टर फाउंडिंग हेट्रोसिस्टर हमें कहाँ मिलते हैं तो वो हमें मिलते हैं नॉन स्टॉक के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो इन चारों में से कौन सा प्रोकैरियोट है ईस्ट है नहीं वो प्रोकैरियोट नहीं होते वो फंगी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी को कई बच्चे एल्गी समझ लेते हैं बट वो एल्गी नहीं होती वो एक प्रोकैरियोट है मोनेरा किंगडम के अंदर आता है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी दैट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वच विच ऑफ द फॉलोइंग ओग् स्पोर्स फाउंड इन चारों में से किसके अंदर ओग्जोस्पोर्स हमें मिलते हैं तो वो हमें मिलते हैं डाई आइटम्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड एलगी विच इज़ नॉट इन रेड इन विच इज़ नॉट रेड इन कलर इन चारों में से कौन सी रेड एलगी है जो रेड कलर नहीं है जिसका तो वो है बैक्टैरको स्पर्मा जो बै बे, बैटैरको है उसका रेड कलर नहीं होता पर वो रेड एलगी के अंदर आती है नेक्स्ट है अगर अगर इज ओपटेन फ्रॉम जो अगर अगर है वो हमें किससे मिलता है तो वो हमें बैक्टीरिया से नहीं मिलता वो हमें फंगी से भी मिल नहीं मिलता हमें वायरस से भी नहीं मिलता जो जेरेडियम है वो एक एल्गी है और इससे हमें अगर अगर मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अगर विच इज़ प्रिपेयर फ्राम सर्टीन एलगीज़ यूज जो अगर अगर है वो एल्गी से प्रिपेयर होता है वो यूज़ किस के लिए किया जाता है तो वो यूज़ किया जाता है फॉर द स्टेबिलिटी एजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द जैंट्स अमंग एल्गी आर जो एल्गी है उसके अंदर लार्जेस्ट फॉर्म्स कौन सी होती हैं तो वो होती है मैक्रोसिस्टस सो द करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजलेटेड स्टेजेस आर इन कौन सी ऐसी एल्गी है जिसके अंदर फ्लैजलेटेड स्टेजेस हैं वो अप्सेंट होती है तो वो अप्सेंट होते हैं स्पायरो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एन टू मैच्योर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास फ्यूज टुगेदर इट इज़ नोन एज जब क्लेमाइडोमोनास की टू मैच्योर सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं तो वो सिचुएशन होती है होलोगैमी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट अमंग द फॉलोइंग डू यू कंसीडर द बेस्ट एविडेंस टू शो दैट द टू स्पीसीज ऑफ एल्गी आर क्लोजली रिलेटेड तो मेनली हम लेते हैं कि उनके अंदर पिगमेंट्स है वो कैसे प्रेजेंट है सो द करेक्ट आंसर इज दे बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ पिगमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरलेस पैरासिटिक एल्गी सो कलरलेस पैरासिटिक एल्गी कौन सी होती है तो वो होती है बैक्टेरिया को उस जो एक रेड एल्गी है पर उसका जो कलर है वो रेड नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लोरेलिन इज ऑप्टेन फ्रॉम जो क्लोरेलिन है एक, एक एंटीबायोटिक वो हमें किससे मिलता है तो वो हमें मिलता है एल्गी से नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल एल्गीव हर एल्गी के पास हमें क्या मिलता है तो उसके पास हमें क्लोरोफिल ए मिलता है एंड बीटा कैरोटीन मिलता है सो द करेक्ट आंसर इज़ डी क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है एलगी आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स एलगी है एक ग्रुप है प्लांट्स का और उसके पास क्या नहीं होता और क्या होता है तो वो पायोनियर्स होते हैं ऑटोट्रोफ्स के मतलब ऑटोट्रोव्स उनसे ही आगे जाके डेवलप हुए हैं तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलगी कैन बी डिस्क्राइब एज जो एल है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं तो एल है वो ऑटोट्रोफिक होती है एंड वो फोटोसिंथेटिक होती है मतलब फोटोसिंथेसिस करती है सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑल्टोट्रोफिक एंड फोटोसिंथेटिक वो केमोसिंथेटिक क्यों नहीं है क्योंकि वो केमिकल की हेल्प से कोई भी फूड सिंथेसाइज नहीं करती और वो हिट्रोट्रोफिक भी नहीं होती तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स भी गलत हुए और ये आंसर भी गलत हुआ सो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ रोडोफाइसिस टर्म डेज जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है रेड एल्गी का उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्पोगोनियम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एल्गल कंपोनेंट इन अ लाइकन जनरली बिलोंग्स टू द क्लास जो लाइकन है उसके अंदर एलगी एंड फंगी मिलके के लाइकन की फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर जो एलगी है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है तो वो बिलोंग करती है टू द क्लास ऑफ साइनोफाइसी जो ग्रीन एलगी है उससे बिलोंग करती है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन जो फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट है वो हमें मिलता है फ्यूफाइसी के अंदर जिसको हम ब्राउन एलगी भी कहते हैं सो द करेक्ट आंसर इज डी ब्राउन एलगी लास्ट क्वेश्चन इज सेल ऑफ मेड अप ऑफ जो एलगी की सेलवोल है वो किससे बनी होती है तो वो बनी होती है सेलुलोज से सो दिस वार आंसर क्यूज ऑफ एल्गी एंड होप आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आप इनको बिना सॉल्यूशन के सोल्व करना चाहो पहले तो उसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट्स बना दूँगी उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं डालूँगी मैं बस लास्ट में आंसर्स की फ़ोटो लगा दूँगी मतलब लास्ट में आंसर डाल दूँगी तो आप सोल्व करना उनको फिर बाद में मैच कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग